हेलो भाइयों, मैं आकाश कुमार। तो स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में यह है कि बेसिकली कल हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि हम लोग एक दिल्ली का टूर लगाने वाले हैं। तो दिल्ली जा रहे हैं तो गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा गंदी खड़ी है और इसका टायर प्रेशर वगैरह चेक कराएंगे। सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक निकलेंगे। तो सुबह यमुना एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो वहाँ में कुछ व्हीकल वगैरह, मतलब वहाँ में कुछ मिलेगा ही नहीं जिससे हम मतलब एयर प्रेशर वगैरह कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पहले ही टिप टाप करके रखते हैं गाड़ी को। इतने लंबे लंबे पर जाना अपने डायरेक्टली सीधे चले जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब इसको बाहर निकालने के लिए पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको बाहर निकालने के बाद तब ये बाहर निकलेगी। तो पहले चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो भाइयों, ये मेरी मारुति वेगनार और ये 2003 मॉडल है। जिस लोगों ने नहीं पता उन्हें पता हो, और जिनने मेरी वीडियो देखी उन्हें पता होगा कि ये गाड़ी मैंने सबसे पहले मेरी गाड़ी आई थी जो मैंने सेकेंड हैंड ली थी सीखने के लिए। तो पहले इसको बाहर निकालते हैं। ये हालत हो चुकी है इसकी नेक्सोन की। भाई पता नहीं, गाड़ी मैंने घर पे ही धोई थी तो ये पानी के दाग लग गए हैं इस पर। इसको क्लीन करवाने जाना है क्योंकि गंदी गाड़ी ले जाना अच्छा नहीं लगता। अभी तो खैर हम इसको ऐसे ही निकालेंगे, फिर वहाँ ले जाके साफ़ कराएंगे। देखो अंदर से भी क्या हालत हो रखी है। पहले मैं निकाल लेता हूँ गाड़ी। चलो भाई चलते हैं, पहले गाड़ी ब्रेक कर लेते हैं। आगे से करके लाते हैं यार। ज़्यादातर मैं यहीं से गाड़ी ब्रेक करता हूँ, यहाँ आराम से गाड़ी ब्रेक हो जाती है। उस जगह में से गाड़ी को उस गाड़ी को निकालना एक अलग ही टास्क है भाई। वहाँ रखना फिर वहाँ से निकालना एक अलग ही टास्क है। और रात में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि दो दो गाड़ी तो पहले एक निकालो फिर रखो फिर निकालो फिर रखो। तो चलते हैं और आपको वहीं दिखाएंगे। तो भाई अभी टेम्परेचर हो रहा है 36 डिग्री सेल्सियस। तो भाई अभी अभी इतनी गर्मी पड़ रही है तो मई अप्रैल में कितनी होगी भाई, आप खुद देख सकते हो। इस टाइम टाइम हो रहा है 1:05, देखो। पर भाई टेम्परेचर तो बहुत हाई हो रखा है। और अभी यहाँ से मैं गाड़ी वॉशिंग का ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा। वहाँ जाके फिर गाड़ी वॉशिंग कराएंगे, तब देखते हैं कैसी वॉशिंग करेगा। यहाँ पे भाई गांव एरिया तो ज़्यादा अच्छी तो करेगा नहीं, दिखाते हैं आपको जैसा भी। यहाँ भाई अपनी गाड़ी वॉश करवा रहे हैं। भाई आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये NH3 है जो ग्वालियर वाला आगरा टू ग्वालियर का जो रोड है ये उस पर हम लोग। तो यहाँ पर सही है उस जगह है ये अपनी गाड़ी यहाँ वॉश हो रही है। और इनका जो वॉशिंग का चार्ज है वो है 120 रुपये। यहाँ इंटीरियर क्लीन नहीं करते हैं भाई, यहाँ बस बार बार से धोते हैं। और मुझे इंटीरियर क्लीन करवाना भी नहीं है भाई, वो खुद कर लेते हैं। अभी ये धोने से पहले का लुक है और धोने के बाद दिखाएंगे आपको कैसी लग रही गाड़ी भाई। ये इनका सेटअप पूरा कार वॉश करना है। ये भाई यहाँ पे लाइट के जो पोल होते हैं ये वाले, इन पे कलर हो रहा है। देखना किस तरीके से करते हैं ये लोग।
खोलने के बाद कुछ इस तरह से गाड़ी का लुक आया है। ये तो क्या चमक रही है गाड़ी, मैंने घर पे धोई थी तो भाई उसके पानी के निशान रह गए थे गाड़ी पे। तो भाई कुछ इस तरीके से लुक आया था गाड़ी का वॉशिंग के बाद। अब देखो वाटर के दाग जो आपको बता रहा था, जो पानी के दाग ये लगते हैं, इससे गाड़ी बहुत बुरी लगती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।